नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है, जहां इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य नेताओं ने रेडक्रॉस रोड स्थित भाजपा के मीडिया सेंटर पर एक प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि जीतू पटवारी नफराती हिंदू नहीं होने की बात करते हैं। वहीं पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जीतू पटवारी का चुनाव हारना और उन्हें इस चुनाव में हराना बहुत आवश्यक है। हिंदुत्व ये एक भाव है और ये हमारा इतिहास रहा है कि हिंदुओं ने कभी किसी दुनिया के देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी नफरत फैलाने का काम नहीं किया। दुनिया में यदि शांति, भाईचारा, सौहार्द स्थापित करने का काम और प्रयास हुआ तो वो हिंदुत्व के भाव से हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, केवल और केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनावी लाभ लेने के लिए, नफरत फैलाने के लिए लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी में हमास पर हुए हमले की निंदा करता है और देश विरोधी काम करता है, वहीं इंदौर के राऊ विधानसभा के प्रत्याशी, कार्यकारी अध्यक्ष नफरती हिंदू नहीं होने की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये भारत की राजनीति में केवल और केवल चुनाव का लाभ लेने के उद्देश्य से दिया गया घोर आपत्तिजनक और निंदनीय बयान है। हिंदू हमेशा सहिष्णु है, हिंदू हमेशा प्रेमी है और हर सुख दुख में हर वर्ग के साथ खड़ा रहने वाला है। हिंदू हिंदू है। केवल चुनावी लाभ लेने के लिए जीतू पटवारी जी नफरती हिंदू की नई संज्ञा लेकर आए हैं। ये उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसने एक बार भगवा आतंकवाद को जन्म देने का प्रयास किया था। ये उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसके विधायक और खरगोन के प्रत्याशी रवि जोशी जी अपनी सभा में कहते हैं कि दंगों का हिसाब लेंगे। मैं प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि दंगों में किससे हिसाब लेने की बात हो रही है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इज़राइल पर हुए हमले की निंदा की है और इज़राइल के साथ खड़े रहने के अपने संकल्प को दोहराया है, लेकिन साथ ही हमास में जिन लोगों को आवश्यकता है उनको दवाई और खाना उपलब्ध कराने का भी काम किया है। लेकिन भारत में JNU और AMU में हमास पर हुए हमले के विरोध में रैली निकलती है, उस पर कांग्रेस क्यों चुप है? दिग्विजय सिंह जी ये बताएं, जिन्होंने भगवा आतंकवाद गढ़ने का प्रयास किया था, हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया था, वो अब ये नफरती हिंदू की संज्ञा क्यों लेकर आए? केवल चुनाव के लिए हिंदू धर्म को, हिंदू समाज के लोगों को बांटने का ये कुत्सित प्रयास
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात का जवाब दे कि बटाला हाउस कांड पर आंसू बहाने वाले लोग केरल में अभी हुए हमले पर चुप क्यों हैं? जीतू पटवारी जी ये बताएं कि ये भ्रम की राजनीति अब नफरत की राजनीति की तरफ क्यों बदल रहे हैं? हिंदुत्व हमेशा सहिष्णु है और ये भारत का इतिहास है कि हिंदू समाज ने दुनिया के किसी देश पर कभी हमला नहीं किया है, बल्कि इस देश में जिसने भी शरण ली है, चाहे चकमा हो, तिब्बती हो, सबको शरण देकर अपने समान नागरिक के रूप में उनको अधिकार दिए हैं। ऐसे में जीतू पटवारी जी का ये बयान घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है, समाज को बांटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ना चाहती है। सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों के खिलाफ स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहती है कि हिंदू समाज पंथ निरपेक्षता की बात करता है। संविधान में जो संशोधन हुआ उस आधार पर पंथ निरपेक्ष भाव से हम सब अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज को नफरती की संज्ञा देना घोर आपत्तिजनक है। जहां एक और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में विकास के एजेंडे पर, उस एजेंडे पर जिसने मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश बनाया, उस विकास की बात को यदि देश के प्रधानमंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे गृहमंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में आकर बताए, तो इसमें आपत्ति क्या है? केवल भ्रम फैलाने का बयान है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने CAA कानून लागू कर ऐसे भारत के बाहर से आने वाले हिंदू जो अपने देशों में प्रताड़ित थे, शोषित थे, उनको इस देश की नागरिकता देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों से आए हुए शरणार्थियों को अपना नागरिक बनाकर सच्चे सहिष्णु हिंदू का परिचय दिया है, इसलिए ये बयान कुल मिलाकर केवल भ्रम फैलाने वाला है। ऐसा है, जितने काम अभी शहर में चल रहे हैं, एक बार अगर आप उनका हिसाब निकालेंगे तो लगभग पिछले एक साल में 650 से 700 करोड़ के डेवलपमेंट के काम नगर निगम अकेला कर रहा है। वो ठेकेदार चिंता करेंगे ना, और उनकी हम चिंता करेंगे, उनकी हम चिंता करेंगे। मध्य प्रदेश का नेतृत्व ही इस चुनाव में हम सबको मार्गदर्शित कर रहा है, लेकिन अभी तक का कोई पुराना चुनाव आप उठा लीजिए, हर चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व आता है, अपनी बात रखता है और लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार जीतती भी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।